और तमाम देशवासियों का, खास करके मुस्लिम समाज के लोग जो कुर्बानी करते हैं, उनसे एक अपील भी मैंने करी है उर्दू के सारे हिंदी के अखबारों में कि जो भी लोग कुर्बानी करते हैं, कोई भी कचरा वगैरह कुर्बानी का बाहर सड़कों पर ना फेंकें, किसी पड़ोसी को तकलीफ ना पहुँचे, और जो भी है उसको ढक के करें, क्योंकि ये ढक के करना है और इसको जो है ना ओपन नहीं करना, किसी को तकलीफ़ देना या किसी को तकलीफ हो जो नॉनवेज नहीं खाता है पड़ोसी या कोई गैर मुस्लिम समाज का है, तो उसको तकलीफ़ देना बिल्कुल नहीं आया। तो तमाम देशवासियों को मैं अपील करता हूँ कि तमाम देशवासी अपने खुशी के साथ ईद मनाएं। 3 दिन की ईद होती है, ये 3 दिन लगातार ये कुर्बानियाँ होती है, बकरे कटते हैं, तो 3 दिन अपनी कुर्बानियाँ करें, पर किसी पड़ोसी को, आस पड़ोस वालों को तकलीफ़ ना दें, कोई कचरा वगैरह बाहर ना फेंके, कचरा कूड़ेदान में डालें, और किसी नॉन मुस्लिम को एहसास ना होने दें जो, और व्हाट्सएप पर जो लोग बाग डालते हैं कुर्बानी करते हुए, फेसबुक पर डालते हैं और ग्रुपों पर डालते हैं, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो कटते समय ना डालें। जो लोग नॉन वेज को नहीं खाते उनको तकलीफ़ होती है, उनको उल्टियाँ आती हैं, वो तो कुर्बानी जो आइए तो सवाब के नहीं आइए, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के नहीं आइए, कुर्बानी तो आपकी कबूल होगी, अगर आपने पड़ोसी को या किसी को तकलीफ़ दी है तो उससे कुर्बानी का जो सवाब है आपका कम हो जाएगा। तो मैं देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है कुर्बानी, लोगों को सुख पहुँचाने के लिए, लोगों से कहता हूँ जिस तरीके से हमारे हिंदू समाज के अंदर बलि चलाने आई थी और आज भी बलि होती है, हमारे लाखों हिंदू समाज के लोग हिंदुस्तान के बलि चलाते हैं, बकरे की भी बलि चलाते हैं, कई जगह और भी दूसरे जानवरों की बलि चलाई जाती है, तो इसी तरीके से जो है ना ये उसका बलि का दूसरा रूप जो कुर्बानी है, जो उर्दू के अंदर कुर्बानी कहते हैं और हिंदी के अंदर इसको बलि दे देते हैं, तो ये कुर्बानी आई है। कुर्बानी जो आई है तो अल्लाह के नहीं आई है, अल्लाह ने इब्राहिम सलाम से कहा था कि जो जिससे सबसे ज़्यादा आप प्यार करते हो उसको आप कुर्बानी दो, तो सबसे ज़्यादा जो प्यारा होता है तो बेटा होता है, बच्चे होते हैं, तो बच्चे को जब उसको लिटाया, उसके कपड़ों में बांधा है, तो उसके नीचे देखा, ऊपर वाले ने इम्तिहान लेना था, तो उसके नीचे देखा तो बच्चा हटा हुआ, छुरी जब फेरिए तो दुम्बा था, बकरा था, तो जब से बकरे की कुर्बानी हुई है, तो बकरे की कुर्बानी मतलब, तो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर 52.5 तोले आपके पास चांदी है तो आपके पास कुर्बानी फर्ज है, और अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं किसी आदमी के ऊपर कि इसे मांग के कुर्बानी की जाए या कुछ बेच के कुर्बानी की जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर 52 तोले चांदी आपके पास है तो कुर्बानी आपने फर्ज है।